हेलो देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के वीडियो में दराज से बाय की गई कुछ शॉपिंग की अनबॉक्सिंग होने लगी है। तीन चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने, तीनों का पार्सल रिसीव हो चुका है। देखते हैं सही चीज़ आई है या नहीं आई, क्योंकि बहुत से लोगों को डर होता है दराज से शॉपिंग करके कि स्कैम हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, चीज़ अच्छी नहीं आएगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, तो होता मुझे भी है। जब भी मैं हर दफ़ा शॉपिंग करती हूँ दराज से, जब दराज से चीज़ आती है तो डब्बा खोलते मेरा दिल थोड़ा सा धक धक कर रहा होता है कि चीज़ सही आएगी या नहीं आएगी। लेकिन एक बार मेरे साथ सिर्फ ऐसा हुआ था, वो मेरी अपनी गलती थी कि मैंने कमीना सा सेलर था उससे बाय कर ली और मैंने उसकी रेटिंग नहीं चेक की स्टोर की, उसके रिव्यूज़ नहीं पढ़े और मैं बिना इन्वेस्टिगेशन के मैंने फोर क्लीनर मशीन जो होती है और ये जो ब्लैक हेड्स क्लीनर मशीन होती है ये मैंने बाय कर ली। मैंने उसको रिचार्जेबल कहा था, उसने मुझे बैटरी ऑपरेटेड भेज दी और मज़े की बात ये कि वो बैटरी डल के भी चल नहीं रही थी। मतलब जो सेल डलते हैं अंदर, स्प्रिंग वगैरह जो टच हो रहे होते हैं वो थे ही नहीं उसके अंदर, इतनी घटिया सी। खैर, मैंने उसको एक मैसेज तो छोड़ा, मैंने कहा आपने बहुत ही घटिया किस्म की भेजी है। उसने मैसेज सीन कर लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं तभी समझी कि कोई बहुत ही ढीठ किस्म का, कमीना किस्म का सेलर है, भाड़ में जाए दफ़ा मारो, बहस करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें मंगवाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दराज से हमेशा अच्छी चीज़ें आई हैं। आज हम देखेंगे पसीने क्यों आ रहे हैं। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपनी दराज अनबॉक्सिंग, और बहुत से लोगों को वेट होता है मेरी दराज अनबॉक्सिंग का, क्योंकि मैं दराज से मोस्टली शॉपिंग करती रहती हूँ। मैं तीन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिससे मैं दराज पे शॉपिंग करती हूँ। एक ये जब मेरा बाहर जाने को दिल ना करे, दूसरा ये कि जब मुझे बाहर से मार्केट से कोई चीज़ ना मिल रही हो तो दराज में भरी पड़ी होती है। कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी स्टोर से वो चीज़ मिल जाती है। मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से नहीं मिल रहे होते तो दराज से मिल जाते हैं, या पाकिस्तानी सेलर से मिल जाते हैं या चाइना के सेलर से मिल जाते हैं। सो इजी होता है दराज पे शॉपिंग करना। तीसरी बात यह कि जब मुझे सस्ती शॉपिंग करनी होती है तो मैं दराज पे जाती हूँ। हाँ, ये है कि दराज पे जो हम शॉपिंग सस्ती करते हैं वही क्वालिटी बाहर भी होती है। बट इस चीज़ को आपने देखना है कि चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती ना आप लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ जो होती है वो दो नंबर निकल आती है, वो थोड़ी सी क्वालिटी में लो होती है। डेफिनेटली जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं, सस्ती शॉपिंग, या शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना, या कोई शॉपिंग की चीज़ ना मिले। तो चलते हैं और चल के अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जनाब जी, ये हैं तीनों के तीनों पार्सल्स जो कि दराज से रिसीव हुए हैं, और मैं मेंशन कर दूंगी डिफरेंट सेलर से मैंने बाय किए हैं। एक सेलर से बाय नहीं किए, लेकिन ये मुझे एक दिन में रिसीव नहीं हुए, एक एक वक्फे से रिसीव हुए हैं। तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग इकट्ठे करूंगी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, वीडियो बना दूं। और मुझे नहीं पता कि सब डब्बों में क्या क्या है। ये मुझे पता है मैंने क्या क्या मंगवाया, लेकिन ये नहीं पता किस डब्बे में कौन सा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इस बड़े डब्बे को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और जी, इसके अंदर है मोबाइल स्टैंड, ट्राईपॉड है, ये मोबाइल होल्डर है। जो लोग किचन की वीडियोज़ बनाते हैं कुकिंग वगैरह की, उनके लिए बहुत अच्छा है। शेल्फ़ पर इसको रख दो और मोबाइल होल्ड कर लो। और इसके अलावा जो लोग वीडियोस नहीं भी बनाते उनके लिए भी ये अच्छा है कि मोबाइल होल्ड करके एक जगह रख लो और टीवी शीवी देख, मतलब वीडियोस वगैरह देखते रहो। जो लोग बोर होते हैं, जिन्होंने किचन में टीवी नहीं लगवाया होता है, एलईडी नहीं लगवाई होती, उनके लिए ये भी चीज़ अच्छी है। दूसरा क्या है, जादू का पिटारा, वो खोल के आपको दिखाते हैं। दूसरे बॉक्स में है जी ये कैनवस कलर्स, और कैनवस कलर्स क्या होते हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं उन लोगों को पता चल गया होगा। ये 15 कलर्स का एक बॉक्स है, इसके अंदर डिफरेंट 15 कलर्स हैं, साथ इन्होंने एक पेंटिंग ब्रश भी दिया है। और 15 के 15 कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आप लोगों को वन बाय वन सारा खोल के दिखा दूंगी, ताकि अगर आप लोगों ने बाय करना हो तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो कि अलीना उमर ने जो क्वालिटी ली थी वो कैसी है। यहाँ मैं ट्राईपॉड की आपको क्वालिटी दिखा देती हूँ। ये है ट्राईपॉड स्टैंड, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और इतनी लो क्वालिटी नहीं है, इतनी हाई क्लास नहीं है। बाय द वे, आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन बाय करेंगे आपको यही क्वालिटी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने जो हैं जितने भी मोबाइल स्टैंड्स बाय किए हैं ऑनलाइन, सबकी क्वालिटी इसी तरह की है, और मतलब नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं। और ये हैं कैनवस कलर्स जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपको हर कलर मिलेगा, ब्लू, रेड, ब्लैक, हर कलर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग भी पेंटिंग के शौकीन हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं। मैं आपको कैनवस दिखाती हूँ कि कैनवस कौन से हैं। यहाँ पर हर साइज़ का कैनवस है, और ये एक पैकेज बना हुआ था कि आप लोगों को हर साइज़ का कैनवस मिलेगा, स्मॉल, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे और आप लोग अपनी पेंटिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। ये इतने महंगे नहीं होते, सस्ते ही होते हैं। अगर आप लोग को पेंटिंग का शौक है तो आप लोग इजीली इसके ऊपर करके तो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इवन कि आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए ये ज़्यादा बेटर है कि बच्चे अपने काम में आराम से लगे रहेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। मेरे जैसी सिंगल मॉम जो कि अकेली बच्चे संभाल रही है फ़िलहाल, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को एक एक
कैनवस पकड़ा दो, एक एक बोतल पकड़ा दो कलर की साथ, एक एक उनको ब्रश पकड़ा दो और उनको कहो भाई के लगे रहो, अब तो गर्मी आए, कपड़े गंदे करेंगे, हाथ मुंह गंदे करेंगे। खैर है, आपने अपने काम शाम किए, फारिग हुए, बच्चों को देखा, बच्चे गंदे मंदे हो रहे हैं, उठाया, बाथरूम लेके गए, शॉवर खोला, नहलाया धुलाया और उसके बाद उनको आराम से दूध दे के फीडर दे के बिठा दिया, लो जी अब सो जाओ। और क्या हो सकता है, बच्चों को काम में लगाने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ता है। सो ये थी मेरी दराज की अनबॉक्सिंग, आप लोगों ने देखी है, तमाम प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। जब भी आप लोग बाय करने लगें तो आप लोग ये ज़रूर देख लिया करें, जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है उसके रिव्यूज़ आप लोग ज़रूर पढ़ें और उसके बाद आप स्टोर पर जाके उनकी रेटिंग चेक करें कितनी है। तो जनाब कैसी लगी आप लोगों को मेरी दराज की अनबॉक्सिंग, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं, कोई भी इसमें मसला नहीं है। आप लोगों ने क्वालिटी भी चेक की और आप लोगों ने सारी अनबॉक्सिंग भी देखी। सो मैं तो दराज को रिकमेंड करती हूँ, मेरी तरफ से तो दराज हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि मैं दराज से शॉपिंग करती रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि कभी मुझे डंग नहीं मारा किसी ने, और अल्लाह करे ना ही कभी कोई मारे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ तो ना बस नहीं होना, नज़र लग जाएगी, बाय।